पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जब भी कोई खिलाड़ी भागता है मैदान से तो वो भागता है जो हारा हुआ होता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आगे चल रहे थे और आप आगे भी आने वाले समय में भी आप आगे चलेंगे। चाहे कोई कितना भी निलंबन का प्रयास कर ले, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि निलंबन क्यों, ये मामला रफा दफा क्यों। मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि ईपीसीएच की प्रशासनिक समिति का चुनाव हर वर्ष 6 सदस्यों को निर्यातकों द्वारा चुनने के लिए कराए जाते हैं। इस वर्ष भी सेंट्रल रीजन की 2 सीट समेत पूरे भारत से 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 2 सीटों को मैं और श्री नीरज खन्ना जी MHEA व यश की ओर से खड़े। ये चुनाव ईपीसीएच भारत सरकार द्वारा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, ईपीसीएच भारत सरकार द्वारा नियुक्त हस्तशिल्प विकास आयुक्त के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग के माध्यम से किया जाता है, ना कि ईपीसीएच के द्वारा और ना कि हमारे द्वारा। NSDL नामक संस्था जो कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए देश भर के कॉरपोरेट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि रिलायंस का भी इलेक्शन ई वोटिंग के माध्यम से NSDL कराता है, इसीलिए चुनाव कराती है। इसलिए स्वाभाविक है इस संस्था से निर्वाचन करने वाले हस्तशिल्प आयुक्त एवं NSDL दोनों EPCH के नियंत्रण से बाहर। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि EPCH सिर्फ इसके माध्यम से कराती है, EPCH का इसमें अपना कोई रोल नहीं होता। ये जानकारी आपके लिए भ्रमित होने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी। अब ये मामला क्या है, इस मामले की तह क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 23 मार्च को NSDL द्वारा ई वोटिंग खोला गया, 27 मार्च की शाम 5 बजे तक जारी रहनी थी। 26 मार्च को हमें जानकारी मिली कि विकास आयुक्त कार्यालय में कुछ लोग NSDL की तकनीकी खराबियों को लेकर इलेक्शन को रद्द कराने की मांग लेकर पहुंचे। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमने इस पर संज्ञान लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मतदाताओं के संपर्क में रहकर उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करने में व्यस्त थे, इसलिए हमें कभी भी ऐसी टेक्निकल ग्लिच का अंदाजा नहीं था, बल्कि हमारी सोच से परे था कि NSDL में भी कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। जो संस्था टाटा बिरला रिलायंस इनके इलेक्शन कराती है, उसके ऊपर संदेह करना हमारी सोच से परे। हमने इस विषय की गंभीरता को जानने के लिए इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन SK झा के सामने विकास आयुक्त कार्यालय में तुरंत एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना पक्ष रखा, ताकि इस पर कोई भी निर्णय हमें सुने बिना या हमारे द्वारा इस विषय को समझे बिना ना लिया जा सके। कोई भी 2 पक्ष होते हैं अदालत में, उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि कुछ समय बाद ही हमें पता लगा कि चंद उम्मीदवारों के द्वारा लैपटॉप पर दिखाई गई एक फर्जी क्लिप के कारण इलेक्शन कमेटी ने इसकी वोटिंग को निरस्त कर दिया। हम लोगों को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि चुनाव का निलंबन किस कारण से किया जा रहा है। कोई ना कोई कमी निकाल के इस चुनाव का निलंबन कराना था, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित ना हो सके। टेक्निकल ग्लिच को अंजाम देते हुए पहले उससे फायदा उठाने की कोशिश की गई, फिर हैकरों की मदद से उस साइट में टेक्निकल ग्लिच डाला गया, जिसमें कुछ NSDL के भी अंदर के लोग मिले। हम ये बात पूरी गंभीरता के साथ कह रहे हैं। हम आज अगर 2 दिन बाद आपके सामने बैठे हैं तो प्रमाणों के साथ बैठे हैं, कोई जवानी जमा खर्चे के लिए नहीं बैठे हैं। फिर ये देखकर कि वोटर धीरे धीरे इनके इस कृत्य को जानने लगे हैं, उनकी पोल खुल सकती है, इसके डर से उन्होंने आनन फानन में मात्र चुनाव निलंबन की मांग मनवा ली, जिसे वो अपने बचाव के तौर पर हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि हमने इस खराब इलेक्शन को, इस बर्बाद इलेक्शन को, इस बेईमान इलेक्शन को रोक लिया, हम क्रांतिकारी वीर हैं। मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने EPCH के इतने बड़े इतिहास में ये पहली दफे कार्य किया है। मेरा उन वीरों को नमन है, उनकी वाणी को नमन है कि जिस घर में खाते हैं उसी में छेद करने का बड़ा सुंदर प्रयास उन्होंने किया। हमारे कुछ सवाल हैं मित्रों, मैं पत्रकार बंधुओं से चाहता हूं कि बहुत ध्यान से मैं अपने सवालों को उनके समक्ष रख रहा हूं, इसका जवाब प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी वो उनसे ले। टेक्निकल ग्लिच या रिंगिंग जैसे कृत वोटिंग की प्रक्रिया में दंडनीय अपराध,
जब किसी के यहां साइबर क्राइम होता है, किसी के पैसे अकाउंट से निकाले जाते हैं, उसको सुलटाया नहीं जाता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाती है। आपको पता है इन लोगों ने कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? कोई FIR दर्ज कराई है? कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है जिससे अपराधी पकड़े जा सके? हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, इसकी गंभीरता पूर्वक CBI से जांच करानी चाहिए, साइबर क्राइम से जांच करानी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हम निष्पक्ष चुनाव के अधिकारी, निष्पक्ष चुनाव में विश्वास है। ये मेरा सवाल नंबर एक है। वोटिंग प्रक्रिया के निलंबन से पहले इलेक्शन कमेटी को सभी उम्मीदवारों को टेक्निकल ग्लिच दिखाकर उस पर निर्णय लेना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया। कभी आपने सुना है अदालत एक पक्षीय फैसला करती है? दूसरे उम्मीदवारों को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी बात कह सकें। मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहूंगा कि ये किस प्रभाव में हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो कानूनन गलत हुआ। तीसरा, NSDL का हैकर अटैक और ग्लिच की जानकारी पर कोई रिपोर्ट लिए बिना चुनावी प्रक्रिया का निलंबन करना चुनावी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। मित्रों, क्या प्रेस ने इस सवाल को रखा, क्या पूछा कि जब आपने चोर पकड़े थे तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया? जब आपने ग्लिच पकड़ी थी तो NSDL के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए आप लोग, पुलिस में क्यों नहीं गए? ये अपने आप में दर्शाता है कि ये क्यों किया गया, चुनाव को रद्द कराने की मांग क्यों की गई। ये सदैव से हारे हुए कैंडिडेट करते रहे हैं और करते रहेंगे, ये इसकी परिणति है। और हम पहले भी जीत रहे थे, और आपसे मैं इस मंच के माध्यम से वायदा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप ही विजयी होंगे, मेरा पक्का वायदा है। हम सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को बहुत गंभीरता से लिया है, और हमें इस बात का विश्वास है कि प्रक्रिया का निलंबन वास्तव में एक मुहावरे को प्रकट करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत सोचनीय विषय है, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम इस प्रकार के मार्ग फूटते हैं कि हम इसमें से कैसे बचें। मामले को रफा दलने की कोशिश है, मामला रफा दफा नहीं होगा मित्रों, चुनाव खत्म भी हो जाएगा तब भी जब तक हम इसकी तह में नहीं पूछेंगे। जिन लोगों ने एक अपराध किया है उनको जेल में नहीं भेजेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, तब तक हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस विषय में हम CBI के साइबर सेल तक, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल तक तथा अन्य अथॉरिटीज तक लेकर जाएंगे। इस विषय में हम लोगों ने NSDL को, EPCH को एवं चुनाव अधिकारी को लीगल नोटिस भेजे। क्या इन्होंने कोई लीगल नोटिस भेजा? जिन्होंने हम पे आरोप लगाए थे उनका अधिकार बनता था कि वो हमें चैलेंज करते, लीगल नोटिस भेजते। हम पे प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष भी है, हमने तीनों पार्टियों को लीगल नोटिस भेजा हुआ है कि ये कैसे हुआ इसकी परिणति बताए। इस प्रकरण में खास तौर पर NSDL के e-डॉक्यूमेंट और सर्वर की जांच सुरक्षित रखी जाए। हमने ये मांग की है कि जो भी NSDL के पेपर्स है, जो भी उसकी साइड है, उसको करेक्ट न किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब हम अदालत में उन्हें बुलाएं तो उन्हें उसका जवाब देना पड़े। आने वाले समय में जल्दी ही इस विषय में चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। इससे पहले कि मैं आपकी अपनी वाणी को विराम दूं, मैं बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे हमारे कुछ सदस्य डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कुछ उम्मीदवारों द्वारा किए गए टेक्निकल ग्लिच के फायदे में उठाने के सफल प्रयास के सबूत सामने आए हैं। हम आज उन्हें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से इस साहसी योद्धा की तारीफ करना चाहता हूं जिसका नाम नीरज खन्ना है। इस व्यक्ति ने साइबर क्राइम में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यह ऐसा साहसी व्यक्ति है, एक एक को जेल भेजा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और अब नीरज खन्ना जी आपको इसके आगे के विषय में जानकारी देंगे कि हमने क्या क्या किया है। धन्यवाद मित्रों। पब्लिक TV आपकी आवाज़।